अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे किचन न्यूज में स्वागत है। कच्चे घर में बड़ी हुई जो लड़की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से विदा हुई, नजारा देख रोए सभी। विवाह तो लोगों का अपरिचित कानूनी मिलन है। आमतौर पर जब दो लोग शादी करते हैं तो इस अवसर को एक विवाह समारोह के साथ मनाते हैं। हालांकि एक वैवाहिक रिश्ते को लंबे समय तक चलने और सफल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये रिश्ता अच्छे से उम्र भर चल पाता है। इंदौर के पास जवारा में पठान टोली की तंग गली की केवल छदर ढके दो कमरे वाले घर में पली बड़ी सहिष्णुता की किस्मत ऐसी चमकी कि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर ससुराल विदा हुई। बेटी को विदाई देते वक्त फल बेचने वाले पिता और सिलाई कर परिवार चलाने वाली माँ की आंखें से आंसू छलक गए। रुद्धे गले से बोले, हमारी बेटी सच में खुश नसीब है। मैट्रिक पास सहिता का कहना है कि मैंने जो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझसे निगाह करने कोई हेलीकॉप्टर से आएगा, खुदा ने मुझे बिना मांगे ही सारे जहाँ की खुशी दे दी। पठान टोली की रहने वाली वहीद खान की बेटी शहीदा की सगाई 3 साल पहले राजस्थान कोटा जिले के सुकेत के रहने वाले खनिज कारोबारी आरिफ खान के बेटे हाजी आरिफ खान से हुई थी। आसिफ हेलीकॉप्टर में निकाह करने शहर आए और निकाह के बाद मंगलवार सुबह 9 बजे दुल्हन शहीदा के साथ सुकेत के लिए उड़ान भरी। सहिदा की मां अफीवी के मुताबिक 3 साल पहले वो मुगलपुरा में बहन से मिलने उसके घर गई थी। वहां पड़ोस में रहने वाले रेहान भी ने सहिदा को देखा, कहा, इतनी सुशील सुंदर लड़की मुझे पहले नजर क्यों नहीं आई। उनकी मां फैमिली भी मुगलपुर में मेरी बेटी को देखने आए, उन्होंने भी पहली नजर में ही सहिदा को पसंद कर लिया था। तब रेहान भी ने बताया कि तेरी बेटी बहुत खुश नसीब है, ये लोग अब तक 50 से ज्यादा लड़कियां देख चुके हैं। छोटे भाई अहिल भी जब आरा में हुई शादी, दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में हुए रवाना। दोनों भाई एक ही हेलीकॉप्टर के लिए अपनी दुल्हन के साथ सुकेत रवाना हुए। ससुराल के लिए उड़ान भरने से पहले हेलीपैड पर माता पिता और रिश्तेदार ने उन्हें विदा किया।